हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक रेखा चौबे रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे आलू का पराठा। उसके लिए हमने आलू बॉईल करके पहले से रखा है, बॉईल करके और पील ऑफ करके रखा हुआ है। और ये अगर आप चाहें तो आप अनियन डाल सकते हैं चॉप करके, ये आमचूर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मेरिक और कोरिएंडर लीव, कोरिएंडर पाउडर एंड ग्रीन चिल्ली एंड सॉल्ट। तो ये हमने बाउल में निकाल लिया। ओके, ऐसे आप इसमें कोरिएंडर लीव डाल सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा आता है, बट मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। आपको तो पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसमें तो जितनी चीज़ें होती हैं उसी में हमें काम चलाना पड़ता है, तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और हाँ, अगर एक तो हम ऐसे बनाते हैं और एक तरह से आप फ्राई करके भी बना सकते हो। ऑनियन को थोड़ा सा आप ऑयल थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर फ्राई करके उसका पोटैटो डाल के उसमें फ्राई कर सकते हो, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। हमने ये सारे मसाले डाल देंगे। ओके, इसको हाथों से अच्छे से मैस लेंगे। तो हमने इसको मसाला रेडी करके और ऐसे बॉल बना के रख दिया, गोल गोल ना बॉल बना के रख दो, इजी रहता है। एज इट इज, आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है। फिर हम आटे की एक, हमने आटा गूंथ के पहले से रखा था, आटे की एक लोई लेंगे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा आटा लगाएंगे। ओके, फिर हम एक बॉल लेंगे, इसमें डालेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ये इजी है, आप फटाफट बना सकते हैं, कोई मेहनत नहीं है। दूसरी लोई काट लेंगे, हमारे तवे पे बन रहा है। जब तक वो सीख रहा है तब तक हम दूसरी बनाते रहेंगे। ओके, देखो एक साइड से वो सीख गया, फिर हम दूसरी बॉल लेंगे। ये बॉल बनाकर हमें इजी हो जाता है। घी लेंगे, घी लेकर, अगर आपको घी नहीं लगाना है, कम घी खाना है, तो आप ऐसे भी इसको सेक सकते हो तवे पे और बाद में बटर या घी थोड़ा सा ऊपर से डाल लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी चॉइस है। तो दोनों तरह से अच्छी तरह से सिक चुका है, आपने देख लिया कितना प्यारा कलर आ गया। इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम बटर डाल देंगे। इसके बाद ये देखो गर्मा गर्म रेडी। आप इसको या तो ग्रीन चटनी के साथ, धनिया की ग्रीन की चटनी के साथ, रायता के साथ, कर्ड के साथ, हर किसी के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। ये रही हमारी आलू पराठा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ओके बाय बाय।